हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों फिर से आप लोग धमाकेदार वीडियो लेके। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में रोमन लेटर 3 में सिखाने वाला हूं। तो पूरे वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, इससे हर एक लोग कुछ नई नई चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों आपके सामने आ गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 रोमन लेटर 3। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 6x² - 3 - 7x, क्या ये सही है इक्वेशन? ये इक्वेशन सही नहीं है, इसको अरेंज करना होगा। पहले सबसे पहले अरेंज कर लेता हूं मैं। यहां पर देखोगे तो 6x² यहां पर -7x और यहां पर -3 = 0, ये मैंने अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद क्या करना होगा, मुझे एल मेथड यूज करना होगा जिसे हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं। तो यहां पर मैं एल मेथड यूज करूंगा और 6 3 मैं यहां पर 18 लिख दूंगा और यहां पर मिडिल टर्म अलॉन्ग विद साइन लिख दिया -7। अब 18 का ऐसा फैक्टर मुझे निकालना होगा इसका प्लस माइनस करने पर मुझे -7 मिल जाए। तो यहां पर 18 का फैक्टर 9 2 18 लिखूंगा मैं। तो 9 2 18 हो गया, मुझे माइनस चाहिए तो बड़े को माइनस छोटे को मैं प्लस दूंगा जिससे मुझे -7 मिल जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहां पर मैं लिखूंगा 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। अब 4 टर्म हो गए हैं, अब 2-2 टर्म में से कॉमन निकालना होगा। तो यहां पर इन 2 टर्म में से कॉमन निकालोगे तो 3 आपको कॉमन मिलेगा और अल्फाबेट में x कॉमन मिलेगा, राइट? तो 3 2 6 और यहां पर x और यहां पर 3 3 9। यहां पर कुछ कॉमन नहीं है, जिसका कोई नहीं होता सबका मालिक एक होता है, मतलब यहां पर 1 कॉमन आ जाएगा और 2x - 3 = 0। अब देखोगे ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, जब भी ऐसा हो जाए ना दोस्तों तो आप समझ जाइए 99.9% आपका आंसर राइट हो गया है, राइट? तो ये 2 बार दिया है तो उसे एक बार लिख लीजिए इस तरह से आप, और जो बचा कुचा है यहां पर लिख दीजिए +1 = 0। उसके बाद 2x - 3 = 0 एंड 3x + 1 = 0। अब यहां पर x = -3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई में है, डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है? ये आ गया 1 0। उसके बाद x = -1/3 ये आपका सेकेंड 0 आ गया, ठीक है? दोस्तों यहां पर पहला क्वेश्चन यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया है, फाइंड द जीरोस जो कहा गया था। अब आगे बढ़ना है और फाइंड करना है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट, ठीक है? और इसके लिए क्या करना होगा, देखिए इन दोनों जो जीरो आए हैं एक को अल्फा पकड़ना होगा और एक को बीटा पकड़ना होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा है मैंने कि जो नेगेटिव होना उसे अल्फा पकड़ लीजिए, ठीक है? इससे क्या होता है कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाता है। इसको आप अल्फा पकड़ लीजिए, इसको आप बीटा पकड़ लीजिए, ठीक है? अब कंपेयर करेंगे, यहां पर कंपेयर करेंगे। सबसे पहले यहां पर कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0, ये मैंने लिख दिया। मैंने इससे क्या होगा, a का वैल्यू देखिए यहां पर, देखो ये पकड़ना नहीं है, अभी ये पकड़ना नहीं है आपको, इसके साथ चलना है, ये देखिए ये बॉक्स में चलना है, राइट? तो a का वैल्यू क्या होगा आपका 6 होगा, तो यहां पर आप 6 लिखोगे। b का वैल्यू क्या होगा यहां पर -7, तो -7। और c का वैल्यू क्या होगा यहां पर -3। ये आपको a b c का वैल्यू मिल गया, राइट? तो नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूं, यहां पर मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूं सम ऑफ द जीरोस = α + β, और इसका कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होगा -b/a। यहां पर a, अब अल्फा क्या है, अल्फा -1/3 है, तो यहां पर लिखूंगा मैं -1/3 प्लस बीटा क्या है यहां पर 3/2 है, तो यहां पर लिखूंगा मैं 3/2। अब क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहां पर 2 1 2 - 2, 3 3 9 + 9 और 3 2 6, इस तरह से करना है। तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, 9 में से 2 जाएगा तो यहां पर 7/6, इस तरह से मुझे मिल गया। अब यहां पर माइनस तो फॉर्मूले के अंदर ही है, तो यहां पर माइनस होगा और बी का वैल्यू क्या है देखोगे आप, तो यहां पर -7 दिया है, तो यहां पर लिखोगे -7। ए का वैल्यू देखोगे आप यहां पर, तो यहां पर 6 दिया है, तो यहां पर लिखोगे आप 6 लिखोगे। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 7/6 आ जाएगा। देखो ये वेरीफाई हो गया। अब आप फाइंड करोगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड करोगे, तो नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा का वैल्यू क्या है यहां पर -1/3 है, तो यहां पर लिखोगे -1/3 × 3/2, तो यहां पर लिखेंगे हम 3/2। देखिए यहां पर कैंसिल हो रहा है यहां पर, तो कैंसिल कर लीजिए, 3 3 कैंसिल, -1/2 आपका ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आ गया, राइट? इसका कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है c/, ये होता है, तो c का दोस्तों वैल्यू क्या है देखोगे आप यहां पर, c का वैल्यू -3 है, तो यहां पर लिखोगे माइनस
3, और a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू देखोगे यहां पर 6 है, तो यहां पर लिखोगे 6। अब कैंसिल करोगे तो यहां पर कैंसिल किस तरह से करोगे, देखिए ध्यान से देखिए, 3 1 3, 3 2 6 -1/2, देखिए ये दोनों भी वेरीफाई हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट तो प्लीज कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसा लगा, ये भी लिखकर बताइए दोस्तों। और कहना चाहूंगा वीडियो पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर देना, जिससे दोस्तों हर एक वीडियो आपको इजीली मिल पाए। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय डियर स्टूडेंट।